हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और ये सुबह सुबह का समय है, 5:45 हो रहे हैं इस टाइम पे। मैं अपने बालकनी में यहाँ पर निकली हुई हूँ, तो मैंने सोचा कि ये रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊँ कि बेंगलोर में सुबह सुबह का नज़ारा कैसा होता है। और यहाँ पे बहुत सुबह थी, मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। और उसके बाद मैं अंदर आके चाय चढ़ा दिए मैंने, तो चाय मैंने चढ़ा दिए, साथ में मैं ब्रेड बना रही हूँ, ब्रेड को शेक रही हूँ, उसमें घी थोड़ा सा लगा देती हूँ मैं, मुझे अच्छा लगता है इसलिए, हमेशा तो नहीं कभी कभी। और यहाँ पे मेरी चाय तैयार हो गई है। आप लोग भी चाय पी के ज़रूर बताइए कैसी बनी है चाय। और इसके बाद ना मैं घर इतना व्यस्त पड़ा था, अस्त व्यस्त, जो कि मैंने ठीक करना सबसे पहले उचित समझा। तो चाय पीने के बाद ना मैं इसमें लग गई, बिल्कुल घर की क्लीनिंग में लग गई कि सोफे को ठीक करूँ और ये सारी चीज़ें ठीक करूँ। तो बाबू और परी इस टाइम पर भी सो रहे हैं, वो लोग भी दोनों बहुत जल्दी जग जाते हैं, लेकिन फिर भी अभी तो 1-2 घंटे लगेंगे, क्योंकि थोड़ा ट्रैवल करके आए हैं तो जगने में टाइम लगेगा उनको। तो मैंने सोचा कि सारी चीज़ें इधर की निपटा लूँ, ताकि वो लोग जब उठें तो इधर पूरा क्लीन रहे और वो लोग आराम से बैठ पाएँ। तो यहाँ पे मैंने, आप देख रहे हैं ना, जो भी गुड्डे हैं या फिर जो भी टॉयज हैं ना, इतने अस्त व्यस्त थे ना, सब सोफे के बीच में घुसे हुए थे, कहीं नीचे घुसे हुए थे, कहीं ना कहीं सब बिखरे पड़े हुए थे। और इतने सारे जो कपड़े वपड़े हैं ना, वो भी सब यहीं पे लदे हुए थे। तो सारे को मैंने पहले हटाया, उसके बाद से क्लीन किया, सोफे की कवर को चेंज कर रही हूँ। तो ये सब चेंज करने के बाद मुझे काफ़ी थोड़ी राहत मिलने वाली है। अभी मुझे घर की भी पूरी सफाई करनी है, काफ़ी सामान अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। अभी ब्रेकफास्ट बनाना है, कुछ भी मैं सिंपल सा आज बनाने वाली हूँ, क्योंकि कुछ भी सिंपल ही बनाऊँगी, क्योंकि टाइम लगेगा ना, तो फिर मैं बाकी सारी काम नहीं कर पाऊँगी उतना, इसलिए। और यहाँ पे मैंने पूरा सोफ़ा ठीक कर दिया है, कवर ओवर सब चेंज कर दिया है। उसके बाद मैं किचन में जा रही हूँ। किचन में ना आज मैंने बनाया है राइस फ्राई, तो सिंपल सा बिल्कुल बनाया है मैंने, मटर और गोभी और पनीर थोड़ा सा डाल के। और परी खा लेती है अच्छे से, बाबू भी इसको टेस्ट कर लेता है, अच्छे से खा लेता है। और मैंने ना इसमें मिर्ची बहुत कम डाली है, सिर्फ 1 मिर्ची डाली है। मेरे हस्बैंड को भी बिल्कुल पसंद नहीं है मिर्ची वाले खाने, और लाल मिर्च का तो हम लोग यूज़ ही नहीं करते हैं। और इसके बाद ना मैं सोच रही थी क्लीनिंग करने के लिए, बाहर की साफ़ सफ़ाई करने के लिए, इसलिए मैंने सिंपल सा खाना बनाया था कि बाहर की क्लीनिंग वगैरह और घर की सब अच्छे से कर पाऊँ, क्योंकि टाइम लग जाता ना, तो फिर इसमें बहुत टाइम लग जाता मेरा। तो यहाँ पे मैं बाहर में बालकनी में अपने आ गई हूँ, आगे थोड़ा सा स्पेस है तो यहीं पे आ गई हूँ। यहाँ पे जो भी गमले रखे हुए थे ना, वो मैं हटा रही हूँ। गमलों में पानी नहीं देने की वजह से ना मेरे फ्लावर्स वगैरह थोड़े सूख गए हैं। 5-6 गमले थे मेरे पास, लेकिन अभी 3 ही दिख रहे हैं, और एक जो है ना थोड़ा सा टूट सा गया है, और 2 में के तो फ्लावर सूख गए थे, तो मैंने उसको उखाड़ दिया, फेंक दिया, और उसमें फिर से लगाऊंगी। वैसे मैंने ना पड़ोसी को पानी देने के लिए बोला था कि आपको कभी टाइम मिले तो आप पानी दे दीजिएगा उसमें, जो तुलसी के पौधे हैं और जो भी है, तो शायद वो लोग भी कहीं चले गए होंगे, तो उन्हें भी टाइम नहीं मिल पाया होगा, तो जिसकी वजह से 2 पौधे ठीक हैं और बाकी सूख चुके हैं। यहाँ पे परी बोल रही थी ना कि मम्मा मैं आपकी हेल्प करने के लिए आ रही हूँ, मैंने मना कर दिया बिल्कुल से कि बिल्कुल मत आओ, नहीं तो बाहर आती है ना पानी में छमछम कर लेती है, उसके बाद से अंदर जाती है, सारे पानी लेके पैरों में चली जाती है अंदर, तो मुझे ही फिर दोबारा क्लीन करना पड़ता है, तो इस वजह से मैंने उसको मना कर दिया है। लेकिन बच्चों का जो है ना पानी में खेलना बहुत ही अजीब चीज़ है। प्रिंसू तो अगर रूम में रहता है ना, बाथरूम में पानी की आवाज़ आती है, तो दौड़े दौड़े बिल्कुल चला जाता है बाथरूम के बाहर, और वहाँ जाके चिल्लाते रहता है। तो इस तरह से बच्चों का होता है। मैं यहाँ पे सोच रही थी कि पूरी ये जो बालकनी की क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि बालकनी की क्लीनिंग कर लूँगी ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा आराम हो जाएगा। प्रिंसू अक्सर यहाँ पे आ जाया करता है, रूम से बाहर निकलता है ना तो यहाँ पे आ जाया करता है, और यहाँ खिलता वलता है, यहाँ पे आता जाता है इधर उधर, तो अगर कुछ भी गंदा चीज़ दिखता है ना तो वो उठा के सीधे मुँह में लेके जाता है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि उसने क्या मुँह में ले लिया है, क्या ले लिया है, मिट्टी है या फिर कुछ भी गंदा चीज़ है, तो इसलिए सबसे पहले तो ये क्लीनिंग करनी थी। तो इस टाइम तो प्रिंस सो रहा है दोपहर के टाइम में फिर भी, और लेकिन परी जगी हुई है। तो बाबू ना वैसे आजकल क्या, आज की बात कर रही हूँ, बहुत कम सो रहा है, बस थोड़ा थोड़ा रोते रह रहा है, गोद में रहना चाह रहा है, तो मुझे भी प्रॉब्लम लग रही है, ऐसा ना हो कि उसकी तबीयत ख़राब हो जाए या फिर कुछ दिक्कत लगे, क्योंकि ट्रैवल करके आया है ना। तो उसके बाद यहाँ पे ना मैं अपने फ्लावर्स को यहाँ पे नीचे की तरफ रख दे रही हूँ, क्योंकि जो नीचे की साफ़ सफाई हो चुकी है ना, तो मैंने सोचा था कि ऊपर कर दूंगी, तो जो भी नीचे गंदे थे वो सब सारे साफ़ हो गए थे। उसके बाद मैं अपने फ्लावर्स से भी आपको मिलाऊंगी, जो भी मेरे सूख गए हैं ना, तो वो तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है उसका। हेलो एवरीवन, अभी मुझे टाइम मिला है और इस वक्त दोपहर का समय है, यानी कि 2:30 बज रहे हैं, और मैं इस टाइम पे अभी तुरंत थोड़ी देर पहले ना मैं कपड़े डाल के गई थी छत पे, तो वहीं देखने के लिए आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत तेज़ तेज़ हवा चल रही है, और देखिए सही में मेरे कपड़ों की हालत क्या हो गई है, आप देख रहे हैं इधर उधर लटक रहे हैं सारे कपड़े, तो वहीं मैं देखने आई थी, क्योंकि बाबू के कपड़े हैं ना,
तो थोड़े इधर उधर हो जाते हैं, गिर भी जाते हैं। एक दो पैंट इसके पहले भी जाने से पहले ना इधर उधर हो गए थे, गिर गए थे शायद, फिर मैं ढूंढ नहीं पाई थी, तो इसलिए जो सूख जाते हैं वो लेके मैं चली जाती हूँ। तो मैं छत पे आई हूँ और एक्चुअली मैं आप लोगों को बताऊँ ना, तो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैं इतना थक गई हूँ कि बता नहीं सकती हूँ। थकने का मतलब है कि कल सुबह 7 बजे से हम लोग निकले थे, रात को लेट नाइट आना हुआ, उसके बाद से खाना खाना वगैरह ये सब करते करते, खाना खाना तो दूर की बात है, उसके पहले आके सबसे पहले हमने बात करी, और जो भी कपड़े थे मैंने उस टाइम ही वॉशिंग मशीन में मैंने डाल दिया था, तो उस वक्त तो धुल गए थे, और धुल गए थे तो मैंने सुबह में ही छत पे डाल दिया था उसको, सुबह 6 बजे के करीब ही आके मैंने छत पे उसको डाल दिया था। उसके बाद जब वो कपड़े सूख गए तो दोबारा से मैंने ये सारे कपड़े वॉश किए हुए हैं, जो कि बेडशीट वगैरह थे और जो भी घरेलू कपड़े जो यहाँ छूट गए थे, कुछ अब वहाँ के कपड़े थे जो मैं लेके आई थी, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी हरासमेंट हो जाती है। उसके बाद जो बालकनी वगैरह था वो मैंने वॉश किया, घर को थोड़ा वॉश किया जहाँ जहाँ भी मतलब थी। अगर घर में नहीं रहते हैं ना हम लोग तो थोड़ी सी ऐसे हो जाती है चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, या फिर जाने से पहले ना मैं साफ़ करके गई थी सारी चीज़ें, फिर भी आने के बाद मुझे इतना कुछ करना पड़ रहा है, साफ़ करना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है ना इसलिए। और नीचे में ना बाबू भी बहुत परेशान कर रहा है आज, क्योंकि वो ट्रैवल करके आता है तो थोड़ा सा चिड़चिड़ा जैसा हो जाता है, और आज बिल्कुल सो ही नहीं रहा है, थोड़ा बहुत सो रहा है फिर जल्दी ही जग जा रहा है, तो मुझे भी थोड़ी सी परेशानी हो रही है। तो देखती हूँ, मुझे जब भी टाइम मिलेगा तो आपसे बात करती हूँ, और थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। फिर मैं नीचे ही जा रही हूँ और बाबू को थोड़ा संभालना है, थोड़ा वो अच्छा से हो जाए ना, सेटअप हो जाए तो मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँगी। ये देखिए, ये है तुलसी का पौधा मेरा, जो कि बहुत बड़ा सा हो गया है, इसमें बहुत सारे लीफ लगे हुए थे पता है, लेकिन जब भी मैं घर से आ रही हूँ ना तो मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल सूखे सूखे से हो गए हैं, क्योंकि पानी मीन्स बहुत टाइम नहीं दिया गया होगा ना, जिसकी वजह से ऐसे हो गए हैं। फिर भी चलो ठीक है, अभी मैं पानी दूंगी, रोज़ाना तो ठीक हो जाएंगे। और इसमें ना ये वाले जो लीफ वाले पत्ते दिख रहे हैं ना, ये वाले लगे हुए थे, लेकिन इसमें तुलसी के पौधे छोटे छोटे जम गए थे ना, तो वो उग के और बड़े हो गए हैं इसमें, तो इसमें मैंने शो प्लांट लगाया हुआ था। एक और गमला है, मैं दिखाती हूँ आपको, ये वाला, तो इसमें मैंने नींबू के पौधे लगाए हुए थे, उसमें नींबू फला भी हुआ था छोटा छोटा जब मैं घर गई थी उस टाइम पे, लेकिन जब मैं आई हूँ ना तो उसमें के नींबू के पौधे जो थे ना वो बिल्कुल सूख से गए थे, मैंने अभी अभी उसको उखाड़ के फेंक दिया है, और उसमें छोटे छोटे मुझे पत्ते दिख रहे हैं, वो तुलसी के पत्ते हैं। ये वाला देखिए टूट गया है गमला। देखिए मैं छत पे हूँ और बाबू को मैं दी थी चॉकलेट बिस्किट खाने के लिए, देखिए इसने अपने माउथ की क्या हालत कर ली है, पूरा अपने फिंगर में भी लगा लिया है, और बहुत सुस्त है बाबू, क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, अंदर से थोड़ा सा ठीक फील नहीं कर रहा है। मैं इसको ना कंबल लेके आई थी, देखिए ये वाला कंबल लेके आई थी इसको सुलाने के लिए, लेकिन ये सो नहीं रहा है, ना ऊपर सो रहा है घुमाने से, ना नीचे रूम में सो रहा है। मैं बिल्कुल परेशान हो गई हूँ एकदम, मुझे लग रहा है कि क्या करूँ क्या ना करूँ। बाबू थोड़ा सा बोल दीजिए, तो सबको बोल दीजिए, थोड़ा सा मूड ठीक कर लीजिए अपना। हाय हाय सबको कर दीजिए, थोड़ा सा इस फिंगर में बहुत सारा लगा है ना चॉकलेट बिस्किट। हाँ हाय, वाह बाबू का मूड थोड़ा ठीक हो गया ना। हाँ सबको नमस्ते कर दीजिए, तो हैप्पी बर्थडे कर दीजिए, तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बाबू, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक्चुअली ना कि 10 तारीख को 10 जन को मेरे पापा का बर्थडे था, तो वहीं हम लोग थोड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे, या फिर वीडियो कॉल पे थे उस टाइम पे, तो हैप्पी बर्थडे टू यू ऐसे करके सॉन्ग हुआ था, तो बाबू उस टाइम से सीख गया है, और उस टाइम से अगर जब भी बोलते हैं ना हैप्पी बर्थडे का हम लोग गाना गाते हैं, तो ये दोनों हाथों को मिला के और ऐसे जोड़ता है और हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करता है, है ना बाबू? एक बार और कर दीजिए हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सो आप में से किसी का भी बर्थडे हो तो प्रिंसू से आप लोग बोल दीजिएगा ये आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर देगा। तो देखिए कितना छाला मुंह में लगाए हो, कितना छाला मुंह में लगाए हो, और कुछ बोलना नहीं है, बोलो बोलिए थोड़ा सा। हाय, अभी इसका मूड नहीं हो रहा है, काफी सुस्त हो गया है, बिल्कुल सुस्त हो गया है,
शायद जर्नी भी थोड़ी सी लग गई है इसको। जर्नी मतलब ट्रेवल में बच्चे थोड़े सुस्त हो ही जाते हैं, परी तो थोड़ा समझदार हो गई है तो उतना नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद क्योंकि बाबू काफी परेशान हो रहा है अब। और ये रात का समय हो चुका है, रात के लिए मैं खाना बना रही हूँ। अभी प्रिंसू भी जगा हुआ है, परी भी जगी हुई है, तो यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही हूँ और भुजिया मैंने बना दिया था पहले ही, थोड़ी देर पहले ही बना दिया था। तो गोभी की मैंने भुजिया बनाई है उसमें मटर डाल के, तो गोभी और मटर की भुजिया अच्छी लगती है, परी भी खा लेती है गोभी की सब्ज़ी। वैसे देखना पड़ता है ना कि बच्चे भी क्या खाएंगे तो उसी हिसाब से बनाना पड़ता है, वरना हम लोग तो कुछ भी खा लेंगे जो भी मसालेदार हो या जो कुछ भी। लेकिन मेरे घर ना मसाला थोड़ा कम बनता है और मिर्ची थोड़ी कम पड़ती है, तो दोनों चीज़ें हैं। और यहाँ पे मैंने भुजिया तैयार कर ली थी पहले ही, उसके बाद से मैं रोटियाँ सेकने के लिए आई थी, क्योंकि जब बन जाएगा तो हम लोग साथ में ही बैठ के सब लोग खा लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा प्रिंसू खाने के बाद भी खेलता वोलता है, फिर सोता है, तो मैंने रोटियाँ भी सेक ली थी और दोनों कर लिया है। देखिए रोटियाँ मैं जब फुलाती हूँ ना तो परी आके बोलती है कि मुझे फुलानी है, मुझे निकालनी है, तो इस तरह से बोलती है। और वो कभी कभी आके ना लास्ट वाली जो रोटी होती है ना वो भी बनाती है कभी कभी, तो अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको वो ज़रूर दिखाऊंगी कभी। फिर मिलती हूँ कल के ब्लॉग में कुछ नया लेकर, नए ब्लॉग में, तो कल मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय बाय और देखते रहिए इंडियन यूट्यूबर गुंजन। कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।